नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने संघर्ष और नेतृत्व से लाखों लोगों को प्रेरित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाना भगत की। टाना भगत का जन्म 15 नवंबर 1986 को झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका असली नाम था तिरुमल, लेकिन वे टाना भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका परिवार आदिवासी समुदाय से था, जो उस समय सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। अंग्रेजों के शासन के दौरान आदिवासी लोग अपने अधिकारों से वंचित थे। टाना भगत ने देखा कि उनके लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। इस अन्याय को देखकर उनके दिल में बदलाव लाने की इच्छा जागृत हुई। 1910 के दशक में टाना भगत ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने अपने समुदाय को संगठित किया और उन्हें आजादी के संघर्ष में शामिल किया। उनका मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही बदलाव का रास्ता है। 1920 के दशक में टाना भगत ने भगत आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश की। उनका नारा था, हमारा अधिकार हमारा संघर्ष। टाना भगत की सोच और विचारधारा ने आदिवासी समुदाय में एक नई चेतना जागृत की। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थे। उनके कार्यों के कारण कई आदिवासी नेताओं ने आगे बढ़कर समाज के लिए काम किया। टाना भगत का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। वे 1964 में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आज हमने जाना टाना भगत की अनमोल जीवन यात्रा के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।